हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। विदेशी व्यापार, जी हाँ, विदेशी व्यापार हम कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम कर लिए हैं। आज हम विदेशी व्यापार का वित्त पोषण देखेंगे। जी हाँ, यूपी TSSC की ASO की परीक्षा है, अकाउंटेंट की भी परीक्षा आज नहीं कल होनी है। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में भी अकाउंटेंट की भर्ती आ चुकी है, वहाँ पे भी परीक्षा में पूछेगा। उसके अलावा यूपी TSSC भी अकाउंटेंट की परीक्षा कराएगा आज नहीं कल, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको। कॉमर्स नेट में भी ये आपका यहाँ से आता है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमर्स का टॉपिक है, यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं इसको रिवीजन करना। आप कैसे करते हैं परीक्षा में, आपको समस्या ये है कि आप पढ़ते क्या हैं और एग्ज़ाम में आता क्या है, ये दोनों गैप को आपको जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि क्या पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आज इसी क्रम में अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए पढ़ाई को, बहुत सीरियस मत होइए, नौकरी मिल जाएगी। ASO तो खैर बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, PG+O लेवल वालों के लिए। तो चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और बातें करते रहेंगे। बातें तो हमारी करना काम है, आपका काम है पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विदेशी व्यापार को आखिर, विदेशी व्यापार का वित्त पोषण का क्या तात्पर्य है, ये आपको समझना जरूरी है। तो जैसे विदेशी व्यापार कैसे, तो आप सभी को पता है विदेशी व्यापार में आयात निर्यात दोनों शामिल होते हैं। हैं निर्यात के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता तो वो नहीं होती है, लेकिन जो आयात के लिए उनके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। निर्यात के लिए भी वित्त पोषण का मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज तैयार करना जो कि निर्यात कर सकें, क्योंकि जितना अधिक निर्यात होगा देश की अर्थव्यवस्था को उतना ही फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही विकसित मानी जाती है जो देश जितना अधिक निर्यात करता है। तो ये देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि देश अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करे। तो निर्यात के लिए, इन सभी के लिए, यानी कि विदेशी व्यापार को फाइनेंस करने के लिए, यानी कि निर्यात जो निर्यातक हैं या आयातक हैं उनको पेमेंट करने के लिए, जो आयातक हैं उनको पेमेंट कैसे किया जाए वो, और निर्यातक के लिए कि जो निर्यातक हैं वो जिस उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए जिनको विदेशों में अधिक मांग है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कुछ संस्थाएँ स्थापित की गई हैं जो कि इनका पोषण कर सकें, यानी कि इनको ज़रूरत पड़ने पे इनकी मदद कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आपका है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक हर क्षेत्र में मदद करता है, लेकिन रिजर्व बैंक का मुख्यतः काम क्या होता है कि यह विदेशी व्यापार का नियमन भी करता है, यानी कि उनको वित्त कैसे प्राप्त हो इसकी भी नियमन करता है। साथ साथ ये खुद भी डायरेक्टली क्या है कि गवर्न करता है और कुछ रेगुलेटरीज पे तथा अन्य बैंक जो विदेशी व्यापार में लगे हैं उनको ये मदद भी देता है। तो विदेशी व्यापार का वित्त पोषण के लिए सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी है, RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया। संस्थाएं होंगी, संस्थाएं तो पहला है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक किस प्रकार से विदेशी व्यापार को फाइनेंस करता है या वित्त पोषण करता है, ये आपको जरूरी है। तो रिजर्व बैंक जो है विदेशी व्यापार को फाइनेंस करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करता है। यह क्या करता है कि जो विदेशी मुद्रा का जो है कोष या संचय को बनाए रखता है। तो पहला क्या इसका काम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का कोष बनाए रखना। विदेशी मुद्रा को रखना, विदेशी मुद्रा का संचय करना रिजर्व बैंक का काम है, अन्य बैंक ये नहीं कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा के कोष को बनाए रखना, के कोष को बनाए रखना। अगर कोष नहीं रहेगा तो आप आयात, यानी कि आयात नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़। जिस देश से आपको आयात करनी है उस देश की करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब विदेशी मुद्रा का कोष होगा तभी आप इसको क्या करेंगे, पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि आयात कर पाएंगे। तथा उस पर नियंत्रण भी रखता है, यानी कि कोष
को तो बनाए रखता है, इस पे नियंत्रण भी रखता है, जिससे कि किसी भी देश की जो है ज़रूरत पड़ने पे वो कोष बना रहे बहुत आवश्यक वस्तुओं पे। जैसे किसी देश का जो है कोष कम हो रहा है तो उसको एक्सचेंज भी किया जाता है दूसरे देशों से जहाँ पे उसका ज़्यादा है। तो बनाए रखना, कोष को बनाए रखना तथा इसको क्या करना, इसको नियंत्रित करना, बनाए रखना तथा नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ये दोनों काम रिजर्व बैंक का है, क्योंकि रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा का जो होता है नियामक संस्था होती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ही करता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय से क्या तात्पर्य है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, देखिए विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य क्या होता है, विक्रय करना। देखिए बहुत से जैसे कि भारत का आयात हमेशा क्या होता है, निर्यात से ज़्यादा है, तो भारत के पास हमेशा क्या होती है, फॉरेन मनी की शॉर्टेज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि क्योंकि जो भारतीय लोग होते हैं विदेशों में काम करते हैं वो भी पैसा भेजते हैं, इसलिए क्या होता है कि स्टॉक बना रहता है, यानी कि किसी ना किसी माध्यम से स्टॉक बना रहता है जो होता है व्यापार के लिए। तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा का क्रय, मान लीजिए किसी देश की मुद्रा ज़्यादा हो गई है और किसी देश की मुद्रा कम हो गई है, तो उसको संतुलित करने के लिए एक्सचेंज करने का कार्य, तथा जिस देश की मुद्रा कम हो गई उसको खरीदने का कार्य भी, और जिस देश की मुद्रा हो गई उसको गोल्ड में तब्दील करके उसको खरीदना उस देश से, या उस देश को बेचना भी, इसी का काम भी कौन करता है, RBI करता है। यह करता है कि जो यहाँ पे ये दो कार्य हो गए, तीसरा कार्य क्या हो जाएगा, ये क्या करता है कि जो विदेशी व्यापार को अन्य बैंक संभालते हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंक संभालते हैं, या विनिमय बैंक जो संभालते हैं विदेशी व्यापार को, यानी कि विदेशी व्यापार का पेमेंट करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे उनको क्या करता है, ऋण देना। तो विदेशी व्यापार में संलग्न, विदेशी व्यापार में संलग्न बैंकों को ऋण प्रदान करना, संलग्न बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना। यहाँ पे आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, RBI करता है, ऋण प्रदान करना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देने की, विदेशी व्यापार में जो संलग्न बैंक हैं यदि उनके पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया है तो क्या करते हैं, RBI के माध्यम से वो लोन लेते हैं, RBI उनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, जिससे विदेशी व्यापार सुचारू रूप से चल सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है विदेशी मुद्रा का विनिमय दर को निर्धारित करना। विनिमय दर का मतलब क्या होता है कि विनिमय दर का मतलब यही होता है, विनिमय दर का निर्धारण करना, जो आप समझ रहे हैं वही है, यानी कि एक्सचेंज, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, निर्धारण करना। अब क्या होता है कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसका जो है रेट होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज डॉलर, एक डॉलर की जो प्राइस है वो 70 रुपीज है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी 70 रुपी ही रहे, या सुबह ये 70 रुपी ही है तो दोपहर में ये 70.5 हो सकती है, 71, 72 कुछ भी हो सकती है, और ये 69 भी हो सकती है, 68। तो इससे क्या होता है, व्यापारियों में असुविधा होगी। मान लीजिए कि व्यापारी अब किसी को 10, मान लीजिए कि 70 रुपये अभी का रेट है, 70 रुपये व्यापारी क्या कर रहा है कि $100 का उसे माल क्या करना है, आयात करना है, तो वो क्या करिए कि 7,000 रुपये लेके पहुंच गया। अब पता चला वो जैसे ही बैंक पहुंचा वहां पे पता चला कि ये भैया ये 7,000 से काम नहीं चलेगा, ये तो बढ़ गया है, ये तो आपको आप काम क्या करना पड़ेगा, ये तो मान लीजिए कि 71,000, 72,000 कुछ भी हो गया, तो अब क्या करेगा व्यापारी, इससे परेशान हो जाएगा। इसलिए विनिमय दर को क्या निर्धारण करना, एक निश्चित विनिमय दर निर्धारित कर देता है, जो किसी दिन या 1, 2, 3 दिनों के लिए क्या होती है, उसी दर पे क्या होता है, आयात निर्यात होता है, उसी दर पे आपको आयात, उसी एक निश्चित दर हो जाएगी, उसी दर पे आपको क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि उसी दर पे आपको पेमेंट करना होगा। इसलिए ये बहुत ही
जरूरी काम हो जाता है विदेशी व्यापार के लिए विनिमय दर का निर्धारण करना। यदि ये निर्धारित नहीं होगी तो व्यापारियों में बहुत सी असुविधा होगी। तो ये जो रिजर्व बैंक हैं ये प्रमुख कार्य हो गए हैं। अब ये पहली जो संस्थाएं हैं जो विदेशी विनिमय को जो नियंत्रित करती है या वित्त पोषित करती है, ये रिजर्व बैंक हो गए। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरी संस्था की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक या क्या होता है, विनिमय बैंक, विनिमय बैंक। आप सभी को पता है कि वाणिज्यिक बैंक साधारण बैंकिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये विदेशी व्यापार में भी संलग्न होते हैं। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उनको क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का कन्वर्जन देते हैं। विनिमय दर जो निर्धारित होती है उसी दर पे ये विदेशों को पेमेंट करते हैं। जहाँ से माल आप आयात कर रहे हैं उनको पेमेंट करना इन्हीं के थ्रू होता है, या जहाँ से आप निर्यात कर रहे हैं जहाँ को, वहाँ से भी ये पेमेंट प्राप्त करने का काम क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। विनिमय बैंक का मतलब वही होता है कि ये जो है विनिमय बैंक जो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा को आप जिस देश में मुद्रा आपको चाहिए होगा जिस देश में व्यापार के लिए वो देते हैं, यानी कि आपके रुपए के बदले उस देश की मुद्रा को ये प्रदान करते हैं। ये सारे जो है वाणिज्यिक बैंक और विनिमय बैंक दोनों विदेशी व्यापार को क्या करते हैं, वित्त पोषित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विनिमय बैंक जो है स्पेशली जो है विदेशी व्यापार के लिए ही क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको जो है विदेशी विनिमय बैंक हो गए। अब क्या हो जाएगा कि इनको अब इनका काम क्या है, दायित्वों का भुगतान करना। जो आपके विदेशी दायित्व होंगे, विदेशी मुद्रा में जो पेमेंट करने होंगे उनका भुगतान करना, तथा आयातकर्ताओं के संबंध में ऋण मंजूर करना। जो आयातकर्ता है यदि उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनको व्यापार चलाना है, यदि उनकी साख अच्छी है तो ये ऋण भी प्रदान करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए विनिमय की सुविधा प्रदान करना। जिस भी देश में आप मुद्रा आयात करते हैं उस देश की मुद्रा ये बैंक प्रोवाइड कराते हैं आपको। विनिमय की दरों में भारी उतार चढ़ाव के विरुद्ध रोकथाम करना। रिजर्व बैंक के अलावा ये भी बैंक भारी उतार चढ़ाव से किसी भी व्यापारी को सुरक्षा करते हैं, यानी कि विनिमय दर को स्थिर करने में काम करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बैंक इस क्षेत्र में जो इसी क्षेत्र की स्थापना की गई थी इसी क्षेत्र के लिए, उसका नाम था IDBI। IDBI का फुल फॉर्म क्या है आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, IDBI ई जिसे कि आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है ना, अभी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका जो प्रमुख कार्य था, ये किस लिए स्थापित किया गया था, जो विदेशी व्यापार थे उनको क्या होता है कि ये उनको जो व्यापारी थे, जो व्यापार थे, जो इंडस्ट्री थे, उनको वित्त प्रदान करना जिससे कि वो फल फूल सकें। जो व्यापार, जो मान लीजिए कि उद्योग हैं, उद्योग लगे हुए हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो ये बैंक वही उसी का कार्य करता है, यानी कि इनको वित्त प्रदान करता है और खासकर उन उद्योगों को वित्त प्रदान करता है जो कि विदेशी व्यापार यानी कि जो निर्यात को अधिक प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि सभी उद्योगों को, इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि सभी उद्योगों को जिनको आवश्यकता है, जो उद्योग कमजोर हैं, उनको वित्त पोषित करके उनको उभारना तथा उनको पटरी पर लाना, इनका ये काम था। इसमें IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। यह क्या करते हैं कि ये निर्यातकर्ताओं के संबंध में ऋण भी मंजूर करते हैं। ये जो निर्यातकर्ता हैं उनको ऋण भी देते हैं, जिससे कि क्या है, निर्यात के विरुद्ध वाणिज्यिक बैंकों को भी ये क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के अलावा ये भी जो होते हैं निर्यात के लिए वाणिज्यिक बैंक को क्या करते हैं, वाणिज्यिक बैंक को भी ऋण प्रदान करते हैं जिससे कि वो क्या कर सकें, ऋण बांट सकें। तो अगला एक अंतिम पॉइंट है, निर्यात साख तथा गारंटी नियम। अगला क्या है, चौथा जो है निर्यात साख तथा गारंटी नियम। इसमें क्या होगा कि इसकी भी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। कब की गई थी, 1964 में की गई थी।
अब इसकी स्थापना 1964 में करने का क्या उद्देश्य है कि 1964 में उद्देश्य इसका क्या किया गया कि जो निर्यात को पहली बात तो बढ़ावा दिया जाए, निर्यात को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा कि अधिक निर्यात होगा तो भारत जो विदेशी पैसा आएगा तो उसको आप विकास के कार्य में अधिक मात्रा में लगा सकते हैं, उसके बदले आप आयात को भी अनुकूल कर सकते हैं। तो निर्यात गारंटी इसकी स्थापना इसी पर्पज से की गई थी कि यह निर्यातकों को क्या करें, वित्त की सहायता दे सके। निर्यात जोखिम बीमा निगम, इसी के थ्रू एक निर्यात जोखिम बीमा निगम की भी स्थापना की गई थी, निर्यात जोखिम बीमा निगम, जोखिम बीमा निगम इसकी भी स्थापना कब की गई थी, 15 जनवरी 1964 को की गई थी। अब इसका क्या है कि निर्यातकों को जो है बीमा करना, जिससे कि उनको कोई अचानक लॉस हो तो उससे क्या हो सके, भरपाई की जा सके। तो इसी को जो है निर्यात साख गारंटी, जो शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी निर्यात जोखिम बीमा निगम के रूप में 15 जनवरी 1964 को, फिर इसका नाम बदल के जो है निर्यात साख तथा गारंटी नियमन कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से ये भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित संस्था है, तो परीक्षा में पूछ सकता है भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था कौन सी है, तो ये यही है भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान, द्वारा नियंत्रित संस्था, ठीक है ना। तो निर्यात साख गारंटी जो है भारत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, है इसमें क्या किया कि यह निर्यात ऋण गारंटी तथा बीमा इत्यादि की सुविधाएं क्या करती है, प्रदान करती है। वाणिज्यिक बैंकों या अन्य संस्थाओं द्वारा निर्यातकर्ताओं को दिए गए ऋण की गारंटी देता है, जिससे भारतीय निर्यातकर्ता निर्यात के विस्तार के लिए आवश्यक ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकें। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी भी स्थापना की गई थी। यह वाणिज्यिक बैंक की जो बिल्स होते हैं आयात पे, उसको क्या करते हैं या निर्यात पे उसको भुनाते हैं, इसे पुनर्कटौती करते हैं और उनको ऋण प्रदान करते हैं। तो ये जो है विदेशी व्यापार का वित्त पोषण, ये संस्थाएँ जो हैं, ये चार प्रमुख संस्थाएँ हैं जो कि विदेशी व्यापार का वित्त पोषण करती हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी हैं जो इसका वित्त पोषण करती हैं। एक महत्वपूर्ण बैंक जो है इस क्षेत्र में, जिसकी स्थापना ही केवल इसी क्षेत्र के लिए की गई थी, वो है आयात निर्यात बैंक, यानी कि एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक की भी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। तो एक्जिम बैंक हमारे सिलेबस में अलग से दिया गया है, यानी कि इसको डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक्जिम बैंक की हम डिटेल में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इसमें आपका विदेशी व्यापार वित्त पोषण की जो संस्थाएं हैं, किस प्रकार से वित्त पोषण करती हैं, ये हमने करा दिया है। इसको आप पढ़िए, जरूर पढ़ते रहिए, देखिए आपकी तैयारी। देखिए इसमें अभ्यर्थी कम है, इसलिए इसकी परीक्षा की कोई डेट निश्चित नहीं है। भले ही कोरोना लंबे काल तक चले, लेकिन ये परीक्षा कभी भी, अगर कोरोना थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो ये परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि 10,000 अभ्यर्थियों के लिए कोई भी बड़ी संख्या में सेंटर नहीं बनाने हैं। 10 सेंटरों में ये परीक्षा आसानी से कराई जा सकती है। तो ये रही आपके लिए विदेशी व्यापार का वित्त पोषण, यानी कि विदेशी व्यापार का वित्त पोषण कौन कौन सी संस्थाएँ करती हैं, किस प्रकार से करती हैं। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक्जिम बैंक के साथ, यानी कि आयात निर्यात बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।